हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्काविसिन लोशन के बारे में। इसके बारे में आपने यूज़ भी किया होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो आज इसके बारे में बताऊँगा इसके यूज़, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसकी मात्रा और किन किन चीज़ों में आपने इसको यूज़ नहीं करना है और भी थोड़ा कुछ। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की मेडिकल से रिलेटिव, दवाइयों से रिलेटिव आपको नॉलेज मिलती रहेगी। और दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आता है हमारा स्काविसिन लोशन, ये आता है टॉर्क कंपनी का। ये आपको अलग अलग कंपनियों के मिल जाएंगे, कई कंपनियों में। और इसमें जो साल्ट आता है वो है गामा बेंजिन हेक्साक्लोराइड लोशन, जो आता है आपको 1% में। तो दोस्तों, इसके 1% में आता है खुजली के लिए। और जैसे सर में जुएँ वगैरह होती है, सर में फंगल्स वगैरह हो जाते हैं, या बॉडी में फंगल्स है, तो उसमें दोनों में यूज़ करता है ये। इस तरफ इसमें कुछ इसमें यूज़ के अप्लाइकेशन, मतलब यूज़ दे रखे हैं किस तरीके से आपने यूज़ करना है, और हेयर लिस के लिए आपने किस तरीके से यूज़ करना है, जुएँ के लिए किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं इसमें यूज़ के। तो ये आता है जुओं से, जैसे जुओं के लिए आता है, जैसे जुओं हो रहे हैं सर में तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और खाज खुजली हो रही है बॉडी में, और मतलब सूखी खुजली हो रही है या फिर दाने वाले खुजली हो रही है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके साथ आप लेवोसिट्रिजिन या फिर खुजली के तौर पर एलर्जिक एंटी एलर्जिक कोई भी ले सकते हैं। एबिल हो गया है आपका, एड्रेक्स हो गया, लेवोसिट्रिजिन हो गया, सिट्रिजिन हो गया। अगर आपको दाने वाने निकल रहे तो आप ब्रुशिफिल्म डाइसोम जी वगैरह ले सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन ये आपको पूरी बॉडी में लगाने के लिए है। और बात करते हैं इसके उपयोग की। तो जैसे आपको उपयोग कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको साफ इंडक्शन भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि भैया ये अफेक्टेड एरिया ऑन द बॉडी, मतलब जहाँ पर आपको खुजली हो रही है, अगर आपको पूरे शरीर में हो रही है तो आपको पूरे शरीर में लगाना है, सिर्फ गले से नीचे। और आप इसको रात में लगा छोड़ दीजिएगा, और सुबह को जैसे बात तो अगर नहा ली, इसके बाद लगाने के बाद आप इसको नहाना ज़रूर है, क्योंकि एक पॉइजन के तौर पर होता है। और यहाँ पर साफ लिखा है कि माउथ एंड आइज़ में इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। आपको भी हेयर का भी सेम टू सेम ऐसे ही है कि बालों में लगा के 22 या 12 या 24 घंटे तक इसको रख लीजिएगा, फिर इसको शैम्पू या फिर नॉर्मल साबुन वगैरह से आप इसको धो सकते हैं, होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि भैया फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली एंड शेक वेल बिफोर, मतलब यूज़ करने से पहले आप इसको हिला के यूज़ करिएगा। और बात करते हैं इसके मात्रा की। तो आपने जूँ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भैया आपने 24 घंटों के अंदर अंदर ही इसको धो लें, लगा के 22 या 12 या 24 घंटे तक इसको लगा के रखें, फिर आप इसको आराम से शैम्पू या नॉर्मल साबुन से धो सकते हैं। और खाज में भी वही है कि आप लगाने के बाद इसको नहा लें। और दुष्प्रभाव इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट है जैसे त्वचा पर जलन हो जाती है, सिर चकराना हो जाता है, सिर दर्द होती है, और मिचली वगैरह भी हो सकती है, और भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं, हेडेक वगैरह होता है, चक्कर आता है, चकत्ते वगैरह हो जाते हैं, बालों में फंगस वगैरह हो सकती है। वो आपको तभी होते हैं अगर आप इसका ओवरडोज या फिर अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर लगाने के बाद शैम्पू या साबुन से अच्छे से धो नहीं रहे हैं। सावधानियों की बात करते हैं, तो सावधानियाँ यहीं आती है कि आपने इसमें आँख और मुँह में नहीं लगाने देना है, और चेहरे पर नहीं लगना चाहिए, और गर्भावस्था और दुग्धावस्था व बच्चों में इसको सावधानी से यूज़ करें, और डॉक्टर की सहायता से इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। निषेध है वो है आपका नवजात शिशु में, और मिर्गी का जो पेशेंट होता है उनमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बस ये है गामा बेंजेन हेक्साक्लोराइड लोशन के बारे में। तो ये आपको कई तरीके से मिल जाता है, लोगों मैंने इसमें अपने वीडियोज़ में कमेंट्स बहुतों के देखे हैं कि भैया सूखी खुजली के लिए क्या है, सूखी खुजली हो रही है पूरी बॉडी में, तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है, आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में, या फिर अलग से थोड़ा बहुत फॉलो कीजिए मुझे, फेसबुक पेज है मेरा, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।